ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਸਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। विवादों के चलते बटाला की नगर कौंसल की प्रधान अंबिका खन्ना वालों प्रधान के अहदे तो अस्तीफा देने बाद प्रधान की कुर्सी खाली हो गई सी। कुछ महीने पहले लखबीर सिंह लोधी नंगल और कांग्रेस के आगू अश्विनी सेखनी ने अकाली और भाजपा कौंसलर मिलकर जतिंद्र कल्याण मता पास कर मुड़ प्रधान के अहदे से बिठाया सी, पर बाद में यह मामला हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट वालों जतिंद्र कल्याण के हक च फैसला किया गया और उन्होंने मुड़ अहदे से बिठाया गया। पहली बार बीजेपी और अकाली दल के सहयोग के नाल मैं एससी वर्ग चो जतिंदर कल्याण बतौर बीजेपी कौंसलर नगर कौंसल का प्रधान बना के मैनू अज इन्होंने यह मान सत्कार दिता है। मेरा पूरा समाज यह बीजेपी और अकाली दल का ऋणी आते जड़े साथी किसी कारण साढ़े विच नहीं शामिल होए मैं उन्होंने भी बेनती करांगा अते जिया आखदा वा कि भी वह मेरे ना मोढ़े ना मोढ़ा ला के बटाले शहर की बेहतरी वास्ते डिवेलपमेंट वास्ते असी सारे रल मिल के काम करांगे। जतिंदर कल्याण के प्रधान वजो अहुदा संभालन मौके भाजपा के आगू नजर नहीं आए, जिस नाल आपसी फुट साफ नजर आ रही सी। इस गल नूं लैके लखबीर सिंह लोधी नंगल का कहना सी कि भाजपा आगू के ना आउण नाल उन्हां दा कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कहा कि भाजपा तो नाराज लोगों को चाहिए कि वह श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो जाएं। इसके बारे कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तो रात 1:30 बजे घर गया सा, मैनू सवेरे नालों पता लगा तो मैं सवेरे उन्होंने कहा भी तुसी उत्थे 2-4 जने जाके ताडा नोटिफिकेशन हो गया, कानूनी तौर पर होर कोई खास मकसद नहीं अज का, तो तुसी उत्थे बैठ जाओ। इत्थे मैं आया, संगत जी ताडे सामने इकट्ठी हुई आ, तो उन्होंने इस गल की खुशी मनाई है। मैनू तो इस गल की खुशी है, मैं तो समझना उन्होंने भी आना चाहिए सी, क्योंकि हुण कोर्ट का मसला आ, हुण ते चलो कोई आपस में मतभेद भी है, तो उन्होंने लांभे रख के इस कोर्ट के फैसले को मान के गांह हाउस से फिर कट्ठे नहीं चलाना ना, और जरूर ही वह आपस में मीटिंग करके कट्ठे होके जो भी वह फैसला जितना कहेंगे असं उन्होंने लांभे नहीं ना, असं उन्होंने अपने तो वक्रा समझते हैं। उधर इस मामले च कांग्रेसी आगू जगदीश राज सानी दा कहना है कि भाजपा पार्टी नवे बने प्रधान जतिंदर कल्याण नूं अहुदे तो हटा देना चाहिए। नाल ही उन्हें कहा कि लखबीर सिंह लोधी नंगल सियासत खेड रहे ने। कोई अच्छा आदमी नहीं है अपना जतिंदर कल्याण। जतिंदर कल्याण अच्छा एमसी भी साबित नहीं होया, अच्छा कार्यकर्ता भी साबित नहीं होया। जो उन्हें लोधी नंगल जी की उंगली से लग के आ काम किया है, ये थ्रो किया उन्हें पार्टी, तो मैं समझना बीजेपी ने अपनी गलती सुधारन लई ऐसे बंदे नू पार्टी चो कटना चाहिए, तो मैं समझना भी उन्होंने भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अज ना जाना ये समझना मैं भाई अश्विनी सेखनी ने अपनी गलती सुधारन की कोशिश की है, जो पार्टी वालों बाइकाट कराना बीजेपी ने भी अपनी गलती सुधारन की कोशिश की है। जिस आदमी को बहुमत नहीं है हुण तां नैक्सट स्टैप यह होना चाहिए वे रोप घर दे के ते अगे अविश्वास मत पास होना चाहिए, ताकि आने वाले समय से कोई भी बंदा ऐसी कोशिश ना कर पाए। ये गंदी राजनीति है, लोधी नंगल जी ने गंदी राजनीति खेडी है। पार्टियां च पाड़ पा के एक पासे कहा जाता है भाई बीजेपी के समर्थक आ, बीजेपी नाल चली, कित्थे बीजेपी है। बहरहाल सियासी पार्टियां जेकर आपसी फुट अते गुटबाजी नूं छड़ के लोकां दे हितां अते विकास वल ध्यान देण तां इह वधिया गल होवेगी। बटाला तों गुरप्रीत सिंह दे नाल हरजिंदर कौर मांगट, डीएन नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।